जय हिंद दोस्तों, इस समय हम हैं टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और टेरिटोरियल आर्मी बैक टू बैक भर्ती के नोटिफिकेशंस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करता आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 स्टेट्स यानी कि 7 स्टेट में एक साथ भर्ती निकली हुई है। दोस्तों कौन कौन से स्टेट हैं, भर्ती के लिए आपको कौन सी जगह पर जाना है, आपके लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वेट, इस भर्ती से रिलेटेड A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैंने इस नोटिफिकेशन को ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो ये जो फ्लैश हो रही है यहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों इस भर्ती की नोटिफिकेशन, जिसमें नंबर ऑफ बटालियंस जो है वो 7 बटालियन पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब नंबर ऑफ बटालियन कितनी है 7। तो ये जो भर्ती है दोस्तों 12 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 तक कंडक्ट कराई जानी है Zone 2 के स्टेट्स के लिए, जो कि हैं दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड। अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हैं तो आपके लिए बिहार रेजिमेंट सेंटर में जो है सुबह 5 बजे पहुंच जाना है। कब पहुंचना है उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टेट वाइज भर्ती होती है। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा आपके लिए जाना होगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अब हम कर लेते हैं बात कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है वो वैकेंसीज की टेबल है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एक को मैं बता देता हूँ, जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी, इसमें 108 वैकेंसीज हैं टोटल इन दोनों बटालियंस में मिला के। इसी प्रकार हर ट्रेड की वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख लीजिए। मैं पूरी की पूरी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट की कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो आपको बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर बिहार में किस डेट को अपने भर्ती में शामिल होने के लिए जाना है। तो दोस्तों 12 और 13 नवंबर 2024 के लिए उड़ीसा की भर्ती है, 14 एंड 15 नवंबर के लिए छत्तीसगढ़ की भर्ती है, 16 एंड 17 नवंबर के लिए बिहार की भर्ती है, 18 19 नवंबर के लिए मध्य प्रदेश की, 20 21 नवंबर के लिए उत्तर प्रदेश की, और 22 और 23 नवंबर के लिए झारखंड की, सॉरी उत्तराखंड की, और 24 और 25 नवंबर के लिए झारखंड की भर्ती है। सभी ट्रेड्स में भर्ती होनी है। भर्ती की लोकेशन है बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार। ओके, चलिए, एज जो है दोस्तों इस भर्ती में शामिल होने के लिए 18 से 42 साल है, और आपके लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है सुबह 5 बजे, मतलब अगर आप भर्ती देखने को जाएं तो सुबह 5 बजे से पहले ही आप वहां पर पहुंच जाएं। चलिए आगे चलते हैं, और इन्हीं स्टेट्स के लिए 12 से 27 नवंबर 2024 तक ही एक और भर्ती निकली हुई है, जो कि दोस्तों 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए और 155 इन्फेंट्री बटालियन टीए जैक रिफ में भर्ती है। सेम स्टेट्स हैं दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड, लेकिन इस भर्ती की लोकेशन चेंज है। लोकेशन कहाँ पर है? महार रेजिमेंटल सेंटर सागर मध्य प्रदेश। वो कहाँ थी? बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर बिहार। ओके, चलिए, तो आपके घर से जो भी लोकेशन नजदीक पड़ रही है आप वहां पर भर्ती के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेड्स ये हैं, कौन कौन से ट्रेड्स में कितनी भर्ती है, वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि सोल्जर जेडी में 78 वैकेंसीज हैं महार रेजिमेंट वाले में। ठीक है, चलिए, एरिया वाइज शेड्यूल दोस्तों ये दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। लोकेशन है महार रेजिमेंटल सेंटर, सेम 5 बजे आपको पहुंचना है, सेम भी ये दिया हुआ है दोस्तों जो आपकी डेट है, आपकी स्टेट कौन से स्टेट के आप रहने वाले हैं तो आपको कब पहुंचना है, सेम ट्रेड्स हैं, मतलब सभी ट्रेड्स में ये भर्ती है, और बस लोकेशन चेंज है। कहाँ पर है? महार रेजिमेंट सेंटर सागर मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और बात कर लेते हैं एक और भर्ती के बारे में, जिसमें दोस्तों एक साथ 3 बटालियन में टीए की भर्ती निकाली गई है। 111 इन्फेंट्री बटालियन टीए कुमाऊं, 151 इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट और 153 इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा। 12 से 27 नवंबर तक भर्ती है दोस्तों। स्टेट्स हैं स्टेट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। अगर आप इन स्टेट्स के रहने वाले हैं तो 12 से 27 नवंबर 2024 तक आपको कहाँ पहुंचना है दोस्तों? पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन, ओके, जो कि उत्तराखंड में है। वैकेंसीज की डिटेल्स दोस्तों यहां पर दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 113। जैसे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 88 वैकेंसीज हैं, सोल्जर क्लर्क के लिए 11, चेफ के लिए 6। इसी प्रकार जो है वैकेंसीज की डिटेल यहां पर दी गई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों आगे, और एरिया वाइज शेड्यूल की बात करते हैं।
एरिया वाइज शेड्यूल जो है दोस्तों वो सेम ही दिया गया है, बस चेंज किया है कि लोकेशन चेंज की गई है। वो इसलिए चेंज की गई है कि आपके लिए ज्यादा दूर तक ट्रेवल ना करना पड़े, ठीक है। आप इन तीनों में से एक ही भर्ती में शामिल हो पाएंगे। एज है 18 से 42 और रिपोर्टिंग टाइम सेम है सुबह 5 बजे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि इस भर्ती में आपको अगर जाना है तो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सोल्जर जनरल ड्यूटी की आप भर्ती देखने चाहते हैं, क्लास 10th पास होना चाहेंगे, 45% मार्क्स होना चाहेंगे। सोल्जर क्लर्क के लिए क्लास 12th पास होना चाहेंगे इंटरमीडिएट और 60% मार्क्स होना चाहेंगे। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए दोस्तों 10th क्लास पास, 33% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। और सोल्जर ट्रेड्समैन, हाउसकीपर एंड मैस कीपर के लिए ओनली 8 क्लास पास होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हाइट की बात करते हैं। हाइट आपको दोस्तों आप देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर। आप चाहे किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं इन 7 स्टेट में से, चाहे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आपके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहेंगे, ओके। चलिए चेस्ट आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाके और बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर। पेट आपका हाइट और एज के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप किसी सर्विसमैन के सन हैं और रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास में, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की और छूट मिलेगी, वेट में 2 kg की और छूट मिलेगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, ठीक है। चलिए आप चलते हैं आगे दोस्तों और बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका रनिंग, पुलअप, 9 फीट डिच और बैलेंस होगा, जिसमें 9 फीट डिच और बैलेंस को कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। 60 नंबर की आपकी रेस होती है, मतलब रनिंग होती है, और 40 नंबर के पुलअप्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फिजिकल कितने का होता है, 100 नंबर का। तो अगर आपकी एज 18 से 30 साल है और आप इस रेस को, मतलब 1 मील रेस के लिए 5 मिनट 30 सेकंड से पहले पास कर लेते हैं सॉरी, तो आपको दिए जाएंगे 60 मार्क्स। 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में पास करते हैं तो आपको दिए जाएंगे 40 मार्क्स, ठीक है। चलिए एज आपकी 31 से 42 साल है, 6 मिनट 15 सेकंड से पहले 1 मील रेस पास करते हैं, 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक पास करते हैं तो 40 मार्क्स दिए जाएंगे, ओके। चलिए अब चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं 40 नंबर के। ये तो 60 नंबर की बात होगी, अब 40 नंबर की होती है पुलअप्स, कि आपको कितनी पुलअप्स मिनिमम लगानी है जिससे आप पास हो जाएं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पुलअप्स नहीं लगती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप 6 पुलअप्स ही मारेंगे, पास हो जाएंगे। 31 से 42 साल है, 5 पुलअप मारनी है, पास हो जाएंगे। इतनी पुलअप्स आराम से आप मार देंगे। 10 या ज्यादा पुलअप लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 9 पुलअप लगाएंगे 18 से 30 वाले तो 33 मार्क्स, 8 लगाएंगे तो 27, 6, 7 लगाएंगे तो 21, 6 लगाएंगे तो 16। इसी प्रकार जिनकी एज 31 से 42 साल है, 9 पुलअप में 40 मार्क्स, 8 में 33, 7 में 27, 6 में 21 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो से अगर आपको संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके एक एक मैसेज का रिप्लाई करूंगा, ओके। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उनकी भी एक वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को मिस नहीं करना, नहीं तो आपको लोकेशन से वापस आना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।